हेलो स्टूडेंट्स हाय वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या आज हम करेंगे स्टूडेंट्स होम साइंस में पीजीटी 2013 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और विद एक्सप्लेनेशन रहेगा ये क्वेश्चन पेपर भी इससे पहले हम 2021 का कर चुके हैं 2016 वाला कर चुके हैं अब हम 2013 वाला करेंगे और ऐसे करते हुए सारे पेपर को जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं मैं पीजीटी टीजी के आपको सॉल्व करवाऊंगी और भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हम करते रहेंगे चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट आज का टॉपिक आज हम पीजीटी 2013 के पेपर को सॉल्व कर लेते हैं विद एक्सप्लेनेशन पेपर की व्याख्या के साथ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब आया मतलब इन्वायमेंट प्रोडक्शन एक्ट कब आया आपके तो इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन एक्ट जो है आपके नाइनटीन में आया ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट गिव मी अ से नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट निम्नांकित में से किसका प्रयोग करने से ज्ञान की स्मृति सबसे प्रभावशाली होती है किसका यूज करने से आपके नॉलेज में बढ़ोतरी होती है श्रव्य साधनों से दृश्य साधनों से श्रव्य दृश्य साधनों से या व्यवहारिक अनुभव द्वारा देखिए यहां पर आंसर आपके डी जाएगा आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं व्यवहारिक अनुभव हैं जहां से आपको व्यवहार में वृद्धि हो रही है आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है ठीक है आपको नॉलेज मिल रही है तो इसको ज्यादा सुटेबल आंसर माना गया है और ये हमें मिलता किसके थ्रू है व्यवहारिक अनुभव हमें किस थ्रू हो सकता है तो हमें श्रव्य दर्शन साधनों के द्वारा हो सकता है तो सी के बजाय जो बेहतर आंसर है बेटर आंसर है वो आपका यहाँ पर डी है नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थ्री सेल्फ हेल्प फीचर्स में क्या आते हैं तो वह फीचर जो आपको हेल्प करते हैं ठीक है ठीके? कपड़ों में टेक्सटाइल्स में तो यहाँ पर आपके टेक्सटाइल से क्वेश्चन पूछा गया है तो इलास्टिक और चुटपुट जो है वो आपके सेल्फ हेल्प फीचर्स में आते हैं नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप स्टार मार्क कर लीजिए ये आपके पूछे ही पूछे जाते हैं एक क्वेश्चन तो ये सेट है टीजीटी पीजीटी में आपसे पूछा ही जाएगा तो दो अक्टूबर उन्नीस में आपके कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना कब आई जवाहर रोजगार योजना जे आर वाई कब आया आपके जे आर वाई तो 1989 में आया अगर आपसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पूछेंगे तो 1999 क्या लगाएंगे आप 1999 वो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और यह है जवाहर रोजगार योजना ठीक है नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सिक्स किस अवस्था में आपके अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है मतलब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कब बढ़ जाती है तो हमें सबको पता है कि जब प्रेगनेंसी होती है और मदर लेटेटिंग है तब दोनों ही टाइम पे हमारे प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो आपके इंक्रीज हो जाती है क्योंकि भाई बच्चा है पेट में उसके डेवलपमेंट के लिए उसके सेल टिश्यूज के लिए हमको चाहिए प्रोटीन नेक्स्ट देखिए मिलावट निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया मिलावट निरोधक अधिनियम दैट इज पी है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट कब आया फिफ्टी फोर में आया लागू कब हुआ क्लियर नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर एंटीबॉडीज किसके विरुद्ध लड़ते हैं आप लोग बहुत तेजी के साथ आंसर करिएगा एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट फाइट करते हैं तो आपको पता है कोई भी इन्फेक्शन चाहे वो बैक्टीरिया हो वायरस हो प्रोटोजोआ हो कुछ भी हो कोई भी ऐसा इंफेक्शन संक्रमण उसके थ्रू हमारे एंटीबॉडीज लड़ते हैं नेक्स्ट मानव व्यवहार में प्रेरणा तत्व क्या है होम मैनेजमेंट से क्वेश्चन है वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं हैं जो मानव के व्यवहार को प्रेरित करते हैं तो मूल लक्ष्य और स्तर ये तीनों ही आपके जो हैं मानव व्यवहार को प्रेरित करने वाले तत्व हैं पेशियों में थकावट किसके जमा होने से होती है स्टार मार्क कर लीजिए ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है आपके मसल्स में किसके जमा होने से आपको थकावट होती है तो सभी को पता है लैक्टिक एसिड की वजह से जो है मसल्स में थकावट होती है शारीरिक थकावट होती है मनुष्य में रेक्टम रेक्टम एक तंत्र का भाग है जो कि किससे संबंधित है पाचन श्वसन उत्सर्जन परिवहन तेजी के साथ आंसर करेंगे रेक्टम कहां का पार्ट है यह भी बताइए रेक्टम किसका पार्ट है और किस तंत्र से संबंधित है तो अगर हम ह्यूमन में सिस्टम्स की बात करते हैं तो यह पाचन तंत्र से संबंधित है और रेक्टम जो है आपके वो लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है किसका भाग है लार्ज इंटेस्टाइन का नेक्स्ट देखिए कटलरी के अंतर्गत आते हैं कटलरीज़ जो कि आप टेबल टेबल्स नेक्स्ट देखिए इनमें से कौन सा मानवीय साधन नहीं है ह्यूमन रिसोर्स नहीं है ठीक है बताइए फटाफट ज्ञान शक्ति रुचि धन तो धन जो है वो अमानवीय साधन है नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज है ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है बाकी ज्ञान रुचि शक्ति ये सब मानव में निहित है तो ये मानवीय साधन है कठपुतली पपेट क्या है पपेट जल्दी से आंसर करिए तेजी के साथ सब लोग पपेट क्या है दृश्य श्रव्य दृश्य श्रव्य साधन ऑडियो विजुअल एड है हम सबको पता है कठपुतली एक ऑडियो विजुअल एड है नेक्स्ट देखिए सिर के लिए कैसी पट्टी बांधी जानी चाहिए सामान्यतः तो कौन सी पट्टी सिर में बांधी जाती है तो आपके सिर पे कूल्हे पे आपके जो आपके होती है ये सीने वाला भाग जो होता है और कोहनी वाला भाग जो होता है शोल्डर वाला भाग जो होता है इन सभी भाग पर आपके तिकोनी पट्टी बांधी जाती है क्योंकि आसानी से सरलता से इन सभी भागों पर बंध जाती है वो सारी जगह जहाँ पर आपके मूवमेंट ज्यादा है कोहनी है आपका कूल्हा है इसके अलावा आपके छाती वाला भाग है आपका सिर है कंधा है यहाँ सब पे तिकोनी पट्टी बांधी जाती है नेक्स्ट देखिए ताने और बाने के किस किसमें रंगे जाते हैं तो आपके पटोला में सभी को पता है कि पटोला में आपके ताने और बाने के धागे रंगे जाते हैं ताना वॉप बाना वेफ्टयांस नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आहार नियोजन को मील प्लानिंग को प्रभावित करते हैं तो हम मील जब भी प्लान करते हैं तो हम एज देख के प्लान करते हैं ठीक है उसका ऑक्यूपेशन उसकी शारीरिक आवश्यकता इन सभी को देख करके आहार नियोजन किया जाता है नेक्स्ट देखती है क्वेश्चन नंबर एटीन फल और सब्जियां किसके अच्छे सोर्सेज हैं बताइए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर द रिच सोर्सेस रिच सोर्सेज ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स ठीक है sources, uh, तो यहाँ पर आपके वाइटामिन आंसर हो जाएगा नेक्स्ट ग्लेजिंग दी जाती है ग्लेजिंग क्या है वस्त्रों को अत्यधिक चमक लाने के लिए जो है उसके ऊपर ग्लेजिंग दी जाती है तो गोंद है स्टार्च है इससे आपकी ग्लेजिंग दी जाती है ग्लेजिंग का मतलब क्या है वस्त्रों पर अत्यधिक चमक बहुत ज्यादा ही वस्त्रों को चमक दे देना नेक्स्ट देखिए लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ़ चाइल्ड ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी हैं हाँ जी सिगमेंट सॉरी सॉरीमेंट फ्रॉड कह रही जीन पियाजे जी के द्वारा ये बुक आपके लिखी गई है नेक्स्ट ट्वेंटी वन मारथंडम योजना कब प्रारंभ की गई मारथंडम योजना तो है, है, बच्चा है अभी पैदा हुआ है उसके संवेग हैं अकॉर्डिंग टू वॉटसन तो कौन कौन से है भय क्रोध और प्रेम भय क्रोध और प्रेम ऑप्शन नंबर बी नवजात शिशु के संवेग हैं और ये कौन बताते हैं ये वॉटसन बताते हैं कि भाई जो छोटा बच्चा है उसके अंदर ये इमोशंस पाए जाते हैं उसे भय क्रोध और प्रेम उसमें पाया जाता है नेक्स्ट ग्रह व्यवस्था एक बांध के समान है तो बांध किसने बताया है गृह व्यवस्था को होम मैनेजमेंट को बांध के समान किसने बताया है राजमल पी देवदास जी ने बताया है ठीक है कोर्ट जी ने तो व्यवहारिक विज्ञान बताया है ग्रॉस एंड क्रेंडल की तो बड़ी सी डेफिनेशन है और निकिल टॉर्सी की भी बड़ी सी डेफिनेशन आपको पता है छोटी छोटी डेफिनेशन हमने सबने करी है मैराथन में भी आपको कराया है होम मैनेजमेंट का मैराथन आप देख सकते हैं वहां पर आपका कंप्लीट एक रिविजन हो जाएगा नेक्स्ट है रक्त किस प्रकार का टिश्यू है तो रक्त कैसा टिश्यू है ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यूज संयोजी ऊतक है ब्लड कैसा ऊतक है टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यूज है रक्त शर्करा का स्तर और ऑक्सीजन नियंत्रित कौन करता है यहाँ पर आपके आंसर नहीं किया है आपके आयोग ने क्योंकि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल आपके इंसुलिन करता है ठीक है तो यहाँ पर आंसर नहीं किया है आयोग ने नेक्स्ट देखेंगे ट्वेंटी में से कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है हाथ से आप नहीं करते कौन सी प्रिंटिंग ब्लॉक स्क्रीन स्टेंसिल तो ब्लॉक स्क्रीन स्टेंसिल सब जो है आपकी हैंड प्रिंटिंग में आ जाते हैं जबकि ड्यूप्लेक्स जो है वो आपके हैंड प्रिंटिंग का एग्जाम्पल नहीं है तो नहीं है तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी एकदम सही हो जाता है नेक्स्ट कोशिका की खोज किसने की सेल की खोज किसने की तो सेल की खोज सभी को पता है रॉबर्ट हुक ने की वहीं आपसे न्यूक्लियस पूछ लिया जाता है अगर तो न्यूक्लियस की खोज केंद्र की खोज आपके रॉबर्ट ब्राउन ने की ठीक है नेक्स्ट चलन तंत्र है वो कौन सा सिस्टम है जो आपको चलने में हेल्प करता है जिसकी वजह से आप चल पाते हैं चलन तंत्र है जल्दी से बताएंगे कौन सा है तो कंकाल तंत्र है अगर स्केलेटन नहीं होता तो आप कभी भी अपने मसल्स कितनी भी हो आप उसे मूव नहीं कर पाते क्योंकि मसल्स तो मांस का एक लोथड़ा है स्केलेटन सिस्टम जो है वो आपको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है तो स्केलेटन सिस्टम नेक्स्ट वार्ड्रोव शब्द क्या दर्शाता है आपके घर में वार्ड्रोब होगा तो आप वार्ड्रोब का यूज किसके लिए करते हैं बताइए कपड़ों की दशा के लिए कपड़ों के संग्रह के लिए तंत्रिका तंत्र के लिए कपड़ों की देखभाल के लिए भाई आप कपड़ों को वार्ड्रोब में अपने रखते हैं कपड़ों का संग्रह है वो आपके वार्ड्रोब ठीक है है ना नेक्स्ट देखिए ट्वेंटी थर्टी नंबर टाइफाइड रोग का कारण टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज बैक्टीरिया से होने वाला रोग है एंड द कॉजिंग इज दॉव एजेंट ऑफ सालमेनाला टाइफी सालमोनाला टाइफी से आपके टाइफाइड फैलता है जल जनित रोग है भोजन से भी होने वाला रोग है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं टिबिया टिबिया मुख्य हड्डी है कहाँ की टिबिया प्रमुख हड्डी कहाँ की है आपके तो फीमर फिर आपके पटेला देन आपके फैलिंगिस सॉरी फैलेंगिस नहीं टार्सल मेटा टार्सल दान फैलेंगे ये कहाँ के हैं? सारी हड्डियां आपके पैरों की हड्डियां हैं तो टिबिया कहाँ पाई जाएगी पैर में पाई जाएगी नेक्स्ट अधिगम और कल्पना अधिगम और कल्पना आपके लर्निंग एंड इमेजिनेशन क्या है आपकी व्यक्तिगत मानसिक मनोवैज्ञानिक शारीरिक क्रियाएं हैं तो मानसिक क्रियाएं हैं ठीक है ठीके? लर्निंग हम दिमाग से मानसिक क्रियाएं हैं हमारी इमेजिनेशन हम अपने दिमाग में करते हैं अपने संज्ञान में अपने दिमाग में करते हैं नेक्स्ट देखिए महिला लिंग हार्मोन है बताइए कौन सा है फीमेल uh, आपके सेक्स हार्मोन कौन सा है प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन एस्ट्रोजन एंड्रोजन देखिए एस्ट्रोजन आपके जो है वो लिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन ठीक है प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन जो है ये आपके प्रोलैक्टिन तो आपके वही हो गया दूध के निर्माण में और ऑक्सीटोसिन आपके दूध को बाहर निकालने में इजेक्ट आउट करने में हेल्प करता है क्लियर नेक्स्ट देखिए वसा में अघुलनशील विटामिन है तो आपके दो प्रकार के होते हैं जो जल में घुल जाए और एक जो आपके वसा में घुल जाए वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल तो वाटर सोल्यूबुल कौन कौन से होते हैं आपके बी एन सी और फैट सोल्यूबुल कौन कौन से होते हैं आपके ए डी ई के सभी को पता है कि तो ईजी है नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अमाशय में उपस्थित रहता है आपके पेनक्रियाज में उपस्थित रहता है सॉरी अमाशय में स्टमक में मेरा भी क्या बोल रही हूं मैं निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम आपके स्टमक में अमाशय में उपस्थित रहता है मुझे ऐसा पता है शायद इसका भी आंसर आयोग ने नहीं दिया है सभी को गलत माना है पता नहीं क्यों नहीं दिया जबकि ये सभी आंसर सही है पाप्सन रेनिन एंड एन लाइपेस मैंने आपको बताया है कि स्टमक में थोड़ा सा लाइपेस भी होता है उसको गैस्ट्रिक लाइपेस के नाम से जानते हैं ठीक है गैस्ट्रिक लाइपेस के नाम से जानते हैं इसमें आंसर इनमें से सभी था लेकिन एग्जामिनर ने इसको सभी को गलत माना है क्यों माना है पेप्सिन भी होता है रेनिन भी होता है में और आपके लाइपेस भी होता है उसको गैस्ट्रिक लाइपेस के नाम से जानते हैं बहुत थोड़ा सा बहुत ही लिटिल सा डाइजेशन फैट का आपके स्टमक में भी होता है लाइक दिस जैसे फैट्स आपके क्या होते हैं फैट्स आपके अः में होते हैं है तो अगर पेट में फैट आया तो मान लो एक इसमें से मॉलिक्यूल फैट का टूट जाएगा ठीक है बस इतना सा डाइजेशन फैट का पेट में होता है और जो पेट में लाइपेज एंजाइम जो है वसा के पाचन के लिए निकलता है उसको स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज के नाम से जाना जाता है बाकी डाइजेशन फैट का आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है पैनक्रियाटिक लाइपेज से पैनक्रियास मतलब अग्नाशय से जो लाइपेज निकलता है लाइपेज एंजाइम आपके फैट के ऊपर काम करता है और बाइल जूस जो है वो भी आपके फैट के ऊपर काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में यह आंसर यहाँ पे सभी थे लेकिन एग्जामिनर ने नहीं दिया है। स्वस्थ मानव में सांस लेने की औसत क्रिया कितनी बारह तो तो से सोलह सही हो जाएगा बीस नहीं होगा हो से क्या रोग होता है जल्दी से बताएंगे सी की कमी से विटामिन सी की कमी से क्या होगा हिंदी में विटामिन बोलते हैं ठीक है और विटामिन बोलते हैं आपके बताइए वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विटामिन सी की कमी से आपके स्कर्वी कॉज होता है नेक्स्ट देखेंगे किसके कारण आपका ब्लड रेड कलर का का दिखाई दिखाई देता देता है है लाल रंग किसकी वजह से तो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से हमारा ब्लड जो है वो आपके रेड कलर का दिखाई देता है नेक्स्ट थर्टी नाइन नंबर मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं बताइए रिप्स कितनी होती हैं मानव शरीर में तेजी के साथ सब आंसर करेंगे तो हमें पता है बारह तो जोड़े होते हैं लेकिन यहाँ पे आपसे जोड़े नहीं पूछे हैं कंप्लीट पूछे हैं तो आप बताएंगे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर नेक्स्ट देखिए बिना सिकुड़न वाला वस्त्र आप कैसे बनाएंगे बिना सिकुड़न वाला वस्त्र आप कैसे बनाते हैं किसके हम तो नहीं बनाते हैं फैक्ट्रीज में बनता है कैसे तैयार किया जाता है तो सैनफोराइजिंग सेनफोराइजिंग क्या है सेनफोराइजिंग आपके ये प्रमाण देता है कि वस्त्र आपका सिकुड़ेगा नहीं नेक्स्ट देखिए सर्वाधिक आसुरक्षित चेक कौन सा होता है सबसे ज्यादा असुरक्षित चेक कौन सा है तो बियर चेक जो है आपके सबसे ज्यादा सुरक्षित असुरक्षित चेक होता है ठीक है सबसे ज्यादा असुरक्षित चेक कौन सा है आपके बियर चेक है हड्डी में कौन सा लवण सबसे ज्यादा पाया जाता है बोन्स में आपके कौन से मिनरल्स कौन से लवण सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं बोन्स किसकी बनी होती है बोन्स आपकी कैल्शियम एंड एंड पोटेशियम ठीक है कैल्शियम एंड पोटेशियम तो कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपके कैल्शियम फॉस्फेट ठीक है कैल्शियम फॉस्फोरस की बनी होती है नॉट पोटेशियम कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की बनी होती है तो कैल्शियम फॉस्फेट यहां पर आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्विंग एंड बल्बलाना क्विंग एंड बाबलिंग बाणी विकास की अवस्था है कूंग एंड बैबलिंग प्रथम अवस्था है सबसे पहले बच्चे में क्राइंग होता है देन babbling और देन उसमें क्या आती है फिर धीरे धीरे वन वर्ड स्टेज आती है ऐसे ही तो आपको मैंने भाषा विकास पढ़ाया है तो प्रारंभिक अवस्था है प्रथम अवस्था है आपके cooing एंड बैबलिंग सबसे पहले बच्चा रोता है फिर cooing फिर बैबलिंग फिर उसके बाद द्वितीय अवस्था जब आती है तो उसमें वो एक एक शब्द करके मिलाकर बोलना स्टार्ट करता है वन वर्ड स्टेज टू वर्ड स्टेज ऐसे अलग आती है एम एम आर क्या दर्शाता है एम एम आर क्या है ये डीपीटी भी पूछ चुके हैं और एमएमआर भी पूछ चुके हैं एमएमआर क्या है मीजल्स मम्स एंड रूबेला ऑप्शन नंबर ए ओ रुधिर वर्ग के व्यक्ति आपके सर्वदाता होते हैं किसी को भी ब्लड ये डोनेट कर सकते हैं वाई क्योंकि इनमें एंटीजन ए है एंटीजन बी है दोनों होते हैं कोई एंटीजन नहीं होता जल्दी आंसर करेंगे कोई इसका आंसर गलत नहीं कर सकता किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप गलत नहीं कर सकते इतनी आसानी से और अनाटवी में तो बिल्कुल नहीं कर सकते कहीं भी नहीं कर सकते सब कुछ पढ़ाया हुआ है मेरे द्वारा कोई एंटीजन नहीं होता ओ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता इसीलिए इस ब्लड ग्रुप को नाम ओ दिया गया है यहां पर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है लेकिन इसके पास ए और बी दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं नेक्स्ट देखिए ग्रीन हाउस में गैस उपस्थित होती है ग्रीन हाउस में कौन कौन सी गैस उपस्थित होती है बताइए ग्रीन हाउस में आपके कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड ये सब गैस प्रेजेंट होती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन हमारे पास ऑप्शन में है तो यहां ये यह लग जाएगा नेक्स्ट देखते हैं सीपीसीबी क्या दर्शाता है सीपीसीबी सीपीसीबी बताइए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है सीपीसीबी वेरी गुड नेक्स्ट पोलियो की दवा के आविष्कारक कौन है किन्होंने पोलियो की दवा को खोजा पोलियो के टीके को खोजा तो आपके जोनास साल्क ने आपके पोलियो के टीके को खोजा वहीं चेचक के टीके के भी बारे में पूछा जाता है तो एडवर्ड जेनर ठीक है चेचक के कौन है जेनर है और आपके पोलियो के कौन है जोनस या जोनास साल्क है मानव नेत्र किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता बनाते हैं जल्दी से बताइए ह्यूमन आई आपने पढ़ा हुआ है कहां पे बनता है प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है उसे दृष्टि पटल भी बोलते हैं ठीक है थीके? हिंदी में क्या बोलते हैं दृष्टि पटल। नेक्स्ट समय समेकित बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य है आईसीडीएस का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है बताइए आईसीडीएस के 1975 में आपके ये आया था इम्यूनाइजेशन भी है जीरो से छह वर्ष तक के बच्चों के लिए आहार पोषण में सुधार लाना भी है माताओं को पोषण संबंधी जानकारी प्रदान करना भी है तो उपरोक्त तो सभी फिफ्टी वन का आंसर करेंगे सब बहुत तेजी के साथ अठारह मिनट में हम फिफ्टी वन पे आ गए कमाल की बात है इजी इजी से क्वेश्चन है कम खर्च में भोजन को संरक्षित सिखाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है आपको खर्चा ना करना पड़े और आप फूड प्रिजर्वेशन सिखा पा रहे हैं बहुत अच्छे से तो कौन से मेथड का यूज करेंगे आप एक्सटेंशन का क्वेश्चन है भाषण देंगे आप वार्तालाप करेंगे आप प्रयोगशाला विधि करके दिखाएंगे लैब lab, लैबोरेटरीज में ले जाएंगे लैब्स में ले जाएंगे या प्रदर्शन करके, तो प्रदर्शन करके दिखाएंगे तो हम प्रदर्शन करके दिखाएंगे क्या करके दिखाएंगे प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा सकते हैं और लोगों को फूड प्रिजर्वेशन अच्छे से सिखा सकते हैं बजाय भाषण के लेक्चर के बजाय वार्तालाप के बजाय हम उन्हें लैब्स में लेके जाएं प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं वेरी गुड फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर एफपीओ किसकी आपके वो करता है रोकथाम करता है बताइए मिलावट की शुद्धता की गलत माप की या उपरोक्त सभी फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर एफपीओ जो कि आपके फ्रूट्स के ऊपर आपके जेली पे मुरब्बे पे या अचार पे आपके शरबत पे स्क्वैश पे इन पे सब पे एफपीओ मार्क होता है आपको पता है ये आपके मिलावट की रोकथाम करता है ठीक है ये भी 1955 में आपके आया था नेक्स्ट श्वसन दर आपके जो रेस्पिरेटरी जो दर है रेस्पिरेशन की वो किस समय सबसे ज्यादा कम होती है बताइए कम होगी खेलते समय खाते समय बोलते समय तो हमेशा आपकी ज्यादा होती है सोते समय आपकी कम होती है क्लियर लेफ्टिनेंट कर्नल अर्बर्ट ने कौन सी योजना प्रारंभ की थी जल्दी से आंसर करेंगे सब लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्ट ने कौन सी योजना प्रारंभ की थी इटावा अग्रगामी योजना कौन सी करी थी इटावा अग्रगामी योजना ये सारे क्वेश्चन में जरूर पूछे जाते हैं टीजीटी में तो इतना नहीं पूछे जाते लेकिन पीजीटी में जरूर पूछे जाते हैं नेक्स्ट देखिए लिगामेंट्स लिगामेंट्स जोड़ते हैं किसको सब लोग आंसर करेंगे बहुत तेजी के साथ पता नहीं कितनी बार इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है ट्रिक्स भी बताई है आप भी आप गलत करते हैं तो बहुत ही दुख की बात है लेगामेंट्स आपके बोन्स को जोड़ते हैं आपस में बी बी एल से आपको याद कराया है बोन टू बोन लेगामेंट्स प्रांग के अनुसार सबसे गर्म रंग है हॉट कलर्स कौन से होते हैं तो आपको पता ही हॉट कलर्स कौन कौन से होते हैं रेड होता है येलो होता है और ऑरेंज होता है तो यहाँ पर आपके रेड एंड ऑरेंज दिया हुआ है ठीक है नीला दिया है तो बिल्कुल हो नहीं सकता बैग दिया है नहीं हो सकता हरा हो नहीं सकता पीला नारंगी लाल होते हैं तो लाल नारंगी एक साथ दिए हैं तो प्रैंक के अनुसार सबसे गर्म रंग कौन से हैं आपके हॉट कलर्स कौन से हैं रेड एंड ऑरेंज प्राकृतिक रेशा है बताइए हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये स्टार मार्क कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को एसबिस्टस एसबिस्टोस हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन कैसे भी पूछ लेंगे इस तरीके से पूछ लेंगे या पूछ लेंगे ये खनिज में आता है किस में आता है तंतु से प्राप्त होता है कहां से प्राप्त होता है बीज से प्राप्त होता है कैसे भी आपसे पूछेंगे जरूर एसबिस्टॉस नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम बताइए कैल्शियम की उपस्थिति में दूध की कैसी प्रोटीन पर क्रिया करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन कोई गलत कर नहीं सकता बताइए बस दूध की प्रोटीन पर कौन सा एंजाइम काम करता है बच्चों में पाया जाता है स्पेशली ये एंजाइम कौन काम करता है रेनिन एंजाइम कौन काम करता है रेनिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है स्टमक में पाया जाता है आमाशय में पाया जाता है जो कि दूध की प्रोटीन पर वर्क करता है पैरों की उंगलियों को पंखे के समान फैला देना कौन सा रिफ्लेक्स है पहले तो आप ये भी बताएंगे और यह क्या एक्टिविटी है ये सहज क्रिया है मतलब रिफ्लेक्सेस हैं आकुंचन है समन्वयीकृत है या इनमें से कोई नहीं बताइए क्या है ये पैरों की उंगलियों को पंखे के समान फैला देना ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस में यह आता है बाल विकास में न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस आपको पढ़ा दिए गए हैं कौन सा रिफ्लेक्स चाहिए तो बेबंस की रिफ्लेक्स है कौन सा रिफ्फ्लेक्स चाहिए बेबिन्स की इसमें क्या होता है जब आप बच्चे के पैर के तलवे पर मान लीजिए ये बच्चे का पैर है और इसके तलवे पे आप जब अपनी फिंगर फैलाते हैं तो वो अपनी जो फिंगर्स है वो पूरी पंखे के समान फैला लेता है अंगूठा आगे की तरफ मोड़ लेता है और ये फिंगर्स को जो है ये पीछे की तरफ मोड़ लेता है इसको बेबिन्स की रिफ्लेक्स बोलते हैं पंखे के समान पैरों की उंगलियों को फैला लेना ठीक है पैर के तलवे पर जब आप उसको सहलाते हैं तब वो ये रिफ्लेक्स करता है इसे हम सहज क्रिया कहते हैं एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर पॉइंट क्या होता है बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन का सहज क्रियाओं का केंद्रीय बिंदु क्या है बॉडी में जल्दी आंसर करिए सहज क्रियाओं का प्रतिवर्ती केंद्र या केंद्र बिंदु क्या होता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड ठीक है अब एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए सभी स्टूडेंट जो कि अभी भी स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिवल कॉलम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं आप अपने दिमाग को खोल लीजिए स्पाइनल कॉर्ड आपके एक आपका ब्रेन है ब्रेन है ये ब्रेन का ही पार्ट है जो कि आपके नीचे की तरफ आ गया है ठीक है इसको कवर करती है आपके रीढ़ की हड्डी जिसे आप वर्टिवल कॉलम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी नहीं है इसके ऊपर जो हड्डी चढ़ी हुई है जो इसको सुरक्षा देती है वो रीढ़ की हड्डी है उसे आप बोलते हैं वटिवल कॉलम रीढ़ की हड्डी ठीक है मेरुदंड बोलते हैं आप उसे मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में आप ये आपका सेकंड ब्रेन है ये ब्रेन का ही पार्ट है जो लंबा हो गया नीचे न्यूरॉन्स हैं ये लंबे लंबे स्पाइनल कॉर्ड समझ में आ रहा है इसको आपके मेरु रज्जू बोलते हैं कशेरुक रज्जू बोलते हैं इसके ऊपर जो चढ़ा होता है हड्डी जो उसको सुरक्षा देती है वो कशेरुक दंड है मेरु दंड है वर्टिवल कॉलम है अभी भी अगर आप कन्फ्यूज हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपका आगे बढ़ते हैं मानव शरीर शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है इजेंशियलो एसिड्स की संख्या कितनी होती है इजेंशियल पूछे ना इन्होंने आंसर बताइए आंसर इन्होंने क्या कर दिया है इसमें हाँ वेरी गुड टेन होती है अगर टोटल अमीनो एसिड्स पूछे जाते हैं मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है तो हम जाएंगे ट्वेंटी के साथ ठीक है लेकिन अगर इन्होंने पूछा है अगर केवल यह क्वेश्चन होता तो ट्वेंटी हो जाते है. इन्होंने पूछा है मानव शरीर में अनिवार्य अनिवार्य मतलब इजेंशियल की संख्या बताइए तो आपको पता है टेन इजेंशियल है और टेन नॉन इजेंशियल है ठीक ट्वेंटी हमें जरूर होते हैं नेक्स्ट बही खाता क्या है एक बही खाता तो बही खाता आपके एक मूल लेखा पुस्तिका है जहां पर आप क्या करते हैं जहां पर आप अपना है? जो भी लेन देन है उसका तिथिवार लेखा जो का रखते हैं मतलब जो भी आप लेन देन करते हैं वो सब उसके डेट के अकॉर्डिंग उसमें आप मेंशन करते हैं नेक्स्ट देखेंगे सिक्सटी टू नंबर का क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे जीवित भेड़ से उतारते हैं तो जब हम जीवित भेड़ से उतारते हैं तो इसको हम बोलते हैं फ्लीस क्या बोलते हैं फ्लीस उस ऊन को हम क्या बोलेंगे फील फ्लीस और जब हम मरी हुई भेड़ से खींच लेते हैं तो वो पुल्ड वूल कहलाती है और जब हम जीवित भेड़ से उतारते हैं तो उसको हम फ्लीस वूल कहते हैं है ना और जब मरी भेड़ भे से उतारते हैं तो उसे हम पुल्ड वूल बोल बोलते हैं खींची हुई ऊन बोलते हैं उसे वो अच्छी भी नहीं होती है नेक्स्ट बाकी मोयर है फेल्ट है फेल्ट तो एक मेथड है आपके ऊन के रेशो से नमदा बनाने का है ना फ्लैनल आपके फैब्रिक होता है और मोयर भी आपके एक तरीके की भेड़ एड़ी है जिससे आपके ऊन प्राप्त की जाती है नेक्स्ट देखिए ग्रह प्रबंध क्या है घर को ढंग से सजाना घरेलू समस्याओं का हल करना भीतरी साज सज्जा रखना उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसाधन का प्रबंधन आपके गृह प्रबंध है ग्रह प्रबंध की डेफिनेशन भी है ये कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उसको आप प्रबंध कर, कर रहे हैं उसको आप मैनेज कर रहे हैं नेक्स्ट बताइए निम्नलिखित में से किसको आप सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं निम्नलिखित में से किसे कोशिका का सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है तो लाइजोजाइम्स ठीक है लाइजोजोम्स आपने कभी देखा है आपके कभी गुम चोट लग जाती हो तो आपके कहीं पर नीला नीला निशान पड़ जाता है आपने देखा होगा अक्सर नीला नीला सा निशान पड़ जाता है वो नीला नीला सा निशान क्या होता है वहां की सेल्स मर जाती हैं। उस जगह की पर्टिकुलर जहां पे चोट लगी मान लीजिए गुम चोट लगी और ऐसा ब्लू ब्लू सा निशान हो गया है तो ये क्या होता है यहाँ पर आपके सेल्स मर जाते हैं लेकिन धीरे धीरे आप देखते होंगे कि वो नीला निशान आपके गायब हो जाता है वो घुम छोड़ गायब हो जाती है वो ये लाइजोजाइम करता है ये लाइजोजाइम क्या करता है वो सारी जो सेल्स हैं जो नीली नीली हो गई थी मर गई थी उन्हें खा करके खत्म कर देता है और बाकी फिर वो मियोसिस से आपके जो है विभाजन से सेल्स दूसरी वहां पर बन जाती हैं ठीक है राष्ट्रीय पोषण संस्थान निंद कहां पर है आपके बताइए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ है तो ये आपके हैदराबाद में है ये क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण है ठीक है नेक्स्ट देखेंगे कला के तत्व हैं। तो कला के आपके सात तत्व हैं कौन कौन से हैं रेखा है आकार है आपके टेक्सचर है प्रकाश है स्थान है नमूना है ये सब आपके क्या है कला के तत्व हैं। तो रंग है तो रेखा रंग सतह नमूना ये सब आपके क्या है कला के तत्व हैं एलिमेंट्स ऑफ आर्ट हैं जबकि अनुपात इसमें आ गया प्रपोर्शन तो ये आपके प्रिंसिपल में चला गया यहां पर आपके लय आ गया रिदम तो ये भी आपके प्रिंसिपल में कला के सिद्धांत में चला गया यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर अनुरूपता आ गई हारमनी आ गया तो ये भी आपके किस में चला गया ये आपके सिद्धांत में चला गया तो पांच सिद्धांत हैं सात इसके तत्व हैं कला के तत्व उन्हें बोलते हैं जिससे आप ड्रॉइंग कर सकते हैं या कला कर सकते हैं ठीक है ड्रॉइंग या कला कुछ भी आप लीजिए जब तक आपके पास रेखा नहीं होंगी तब तक आप कला नहीं समझ पाएंगे रेखा से फिर आप आकार बनाएंगे कोई आकृति बनाएंगे आकृति बनाएंगे तो कोई ना कोई आकृति कोई ना कोई डिजाइन बनाएंगे डिजाइन में कोई ना कोई टेक्स क्र होगा टेक्सचर होगा तो उसमें आप स्थान का भी ध्यान रखेंगे लाइट्स का भी ध्यान रखेंगे उसमें आप कलर्स का भी ध्यान रखेंगे तो ये सब एलिमेंट्स हैं जिससे हम कला कर सकते हैं और कला के सिद्धांत क्या होते हैं हार्मोनी हो गया प्रोपोर्शन हो गया इम्फेसिस हो गया बैलेंस हो गया रिदम हो गया ये सब कला के सिद्धांत हैं या डिजाइन के सिद्धांत हैं नेक्स्ट मोरी बाना क्या है तो सभी को पता है इके बाना मोरी बाना ये सब आपके क्या है पुष्प सज्जा के तरीके हैं है ना फ्लावर अरेंजमेंट है इके बाना मोरी बाना निम्नलिखित में से कौन सा आपके आकार का प्रकार नहीं है मतलब एक तरीके का शेप नहीं है तो बताइए कौन सा शेप नहीं होता है भाई पंचकोड़ बनाते हैं हम पेंटागन बोलते हैं उसे हाँ ऐसे ही तो बनेगा वन टू थ्री फोर फाइव ये पेंटागन बन गया है ना लाइक दिस ऐसे ही तो बनता है पेंटागन आयताकार बन गया आपके है ना वृत्ताकार बन गया आपके लेकिन छिद्र युक्त छिद्र छेद कोई भी आपके आकृति नहीं होती है बाकी सब आपके क्या है आकार है है ना नेक्स्ट देखिए प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या होता है बताइए भाई प्रोटीन हमारी बॉडी में किसके फॉर्म में यूज होते हैं तो सभी को पता है अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में यूज होते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट यूज होते हैं एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे लीवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है बीटा सेल्स करती हैं आइलेट्स ऑफ लैंगर करता है कौन पेनक्रियास करता है पुरकिंजे के तंतु कहाँ होते हैं बताइए क्या है वैसे तो आपने याद कर रखा होगा क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कर रखा होगा पुर फाइबर फाइवर हैं क्या और कहाँ पाए जाते हैं और काम क्या है इनका पुरकिंजिस फाइबर का आप सब बताइए पूरा आंसर करिए इसका पुरकिंजे के तंतु कहाँ होते हैं तो आपको पता है आपने याद कर रखा होगा हृदय में होते हैं हार्ट में होते हैं किधर होते हैं हार्ट में ये रहा हार्ट बताओ किधर होते हैं कौन से उसके पास होते हैं कोष्टक के पास होते हैं इनका फंक्शन क्या है क्या करते हैं पुर फाइबर्स बताइए चलिए मैं बताती हूं देखिए ये हार्ट है आपका ठीक है हार्ट है हमें पता है हार्ट में क्या होता है हार्ट में आपके चार कोष्टक होते हैं ऊपर दो आपके दो एट्रियम होते हैं नीचे दो आपके दो वेंटिकल होते हैं ठीक है मैंने आपको ये भी बताया था बहुत अच्छे से ये हार्ट है कि ये जो आपके इसको जो सेपरेट कर रहा है ये चीज जो चीज आपके इन चारों कोष्टक को सेपरेट कर रही है ठीक ये वाली लाइन ये जो मायोकार्डियम के लेयर इसे क्या बोलेंगे इसे सेप्टम बोलेंगे क्या बोलेंगे सेप्टम सेप्टम मतलब एक तरीके की दीवार या कोई वो चीज जो क्या कर रही है इन चारों चैम्बर्स को एक दूसरे से सेपरेट कर रही है अलग कर रही है उस बीच के भाग को इन बायोलॉजी हार्ट में सेप्टम बोला जाता है ठीक है देखिए पुर फाइबर्स कहाँ होते हैं ये देखिए ये हार्ट है यहाँ पर आपके एट्रियम है एट्रियम में आपको मैंने बताया था ये ऐसे नोड पाया जाता है क्या पाया जाता है आपके ऐसे नोड पाया जाता है राइट एट्रियम के साइड पर ठीक ऐसे नोड को आपके बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड क्या बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड और ये आपके हृदय का पेसमेकर है क्यों है ये हृदय का पेसमेकर ऐसा क्या होता है देखिए आपका जो ये हार्ट है स्टूडेंट ये एक तरीके के ऑटो एक्साइटेबल मसल से बना हुआ है ऑटो एक्साइटेबल मसल मतलब मैं आपको ना हार्ट एक बहुत डेफ्थ में पढ़ाने वाली हूँ अब अभी तक जो मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया है आज तक जो मैंने पढ़ाया है वो मैंने आपको बहुत बेसिक चीजें बताई हैं कि भाई चार चेम्बर्स होते हैं नीचे से वेना कावा आ रही है इनफीरियर ऊपर से सुपीरियर वेना कावा ब्लड लेकर का आती है और राइट एट्रियम में डाल देती है फिर ब्लड यहाँ से आपके पल्मोनरी अरोटा में जाता है पल्मोनरी आर्टरी में जाता है फिर वहां से शुद्ध होकर पल्मोनरी वेन से वापस आता है फिर इसमें आता है फिर इसमें जाता है फिर नीचे आपके जो है नीचे नहीं सॉरी ऐसे ऊपर होता हुआ अरोटा से होता हुआ पूरी बॉडी में चला जाता है ये तो बहुत बेसिक

कार्डियक मसल का बना है हमारा हार्ट 90 टू 95 परसेंट हमारा हार्ट केवल और केवल मसल्स का बना हुआ है मांसपेशियों का बना हुआ है तो कोई भी न्यूरॉन नहीं आता इसके ऊपर इसको एक्ट कराने के लिए न्यूरॉन नहीं इसको सिग्नल देता है कि भाई हार्ट तुम तो एक्ट करो ठीक है हार्ट की मसल्स खुद ही एक्साइट होती हैं खुद ही काम करती हैं कैसे कर पाती हैं यहाँ पे जो इतनी सारी मसल्स हैं ये आप देख रहे हैं बीच में ये मायोकार्डियम लेयर है मायोकार्डियम लेयर में जो भी मसल्स पाए जाते हैं ये मसल्स अपने आप ऑटो एक्साइटेबल हो जाते हैं मतलब अपने आप, आप कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मसल बन जाते हैं तो एट्रियम के पास जब स्पेशल टाइप ऑफ मसल बन जाते हैं इसको ऐसे नोड बोलते हैं ये ऐसे नोड क्या करता है ये आपके ब्लड से सोडियम को यूज करता है सोडियम सोडियम हमारे हार्ट के लिए जरूरी है हमें पता है सोडियम आयंस जो है आगे एक्सचेंज होते हैं और ये ही हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में संकुचित करने में हेल्प करते हैं आपके चैंबर्स सिकुड़ते हैं फैलते हैं ये बात आपको पता है मैं समझा चुकी हूं सिकुड़ेंगे तभी तो ये ब्लड को क्या कर पाते हैं आपके फेंक पाते हैं है ना और फैलते हैं तो अपने अंदर उसको भर पाते हैं रिलैक्स करते हैं तो भर पाते हैं अपने अंदर ब्लड को तो ये हो कैसे पाता है ये चीज इसकी मसल्स ही करवाती है हार्ट की ये काम हार्ट की मसल्स ही करवाती है ऐसे नोट जो है आपके ब्लड से 70 से 75 बार आपके जो है सोडियम आइंस को रिसीव करता है तभी तो हम कहते हैं हमारा हार्ट बहत्तर बार धड़कता है तो सोडियम का यूज करता है ऐसे नोट और ये जो मसल्स हैं ये उसको यूज करती हैं और ये आगे जो है उसको फैलाती हैं तो जब ऊपर ऐसे नोड रिसीव करती हैं तो आपके एट्रियम से कुड़ते फैलते हैं ठीक है ठीके? फिर ये देखिए फिर आगे की तरफ जाते हैं ये ऐसे नोड है जब आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपके ये जो दूसरा एक नोड पाया जाता है इसे आपके एवी नोड कहते हैं स्टूडेंट कौन सा नोड बोलते हैं एवी नोड एवी नोड कहाँ पाया जाता है एवी नोड आपके वेंट्रिकल में पाया जाता है ये नीचे वाला हिस्सा आपके वेंट्रिकल कहलाता है निलय कहलाता है मैंने आपको ये चीज बताई है और ऊपर वाला हिस्सा आपके आलिंद कहलाता है ना हार्ट किसका बना हार्ट आपके मसल्स का है बना ये मसल्स ही है एक ये हैं एक तरीके के ऐसे नोड और एवी नोड ये स्पेशल टाइप हो जाती हैं स्पेशल टाइप क्यों हो जाती हैं क्योंकि ये कुछ स्पेशल काम करती हैं हार्ट के अंदर इसलिए इनका एक अलग से नाम हो जाता है ऐसे नोड एवी नोड ऐसे नोड आपके एट्रियम के पास पाई जाती है इसलिए इसको आपके साइनो एट्रियल नोट बोला जाता है ये बोला जाता है ना साइनो एट्रियल नोट और इसको पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं क्यों पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं क्योंकि यही तो सबसे मेन फंक्शन कर रही है यही तो ब्लड से सोडियम को रिसीव कर रही है और फिर पूरे ब्लड में सोडियम आइन्स फैल रहे हैं आपके इन्हीं के थ्रू फैल रहे हैं तो जब सबसे ऊपर एट्रियम में सोडियम आइन्स फैलते हैं आपके सोडियम आइन्स समझते हैं ना सोडियम के आयन जो सोडियम है बॉडी में जो हमारे सोडियम लेते हैं हम सोडियम अपनी बॉडी में यूज करते हैं वो हमारा हार्ट भी यूज करता है ठीक है

ये जो चीज है ये वाला बताती हूं अभी आपको ये ये जो चीज निकली हुई है ये फिर ये ऐसे निकले हुए हैं लाइक जिस फाइबर जैसे निकले हुए निकले हैं ये फाइवर जैसे यही है पुरकिंजिस फाइबर्स इन्हीं को पुरकिंजे फाइबर बोलते हैं इसलिए आपसे पूछा गया पुरकिंजे फाइबर कहाँ होते हैं तो आपने बता दिया हृदय में होते हैं ये है पुरकिंजे किंजे फाइबर्स ये ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये यहाँ से सिग्नल ऐसे नोट ने रिसीव करे तो पहले तो आपके एट्रियम काम करेंगे ठीक है फिर देखिए फिर ये नीचे जाते हैं वेंट्रिकल के पास ये एवी नोड्स रिसीव कर लेती है जब एवी नोड रिसीव कर लेती है तो पूरे ये वेंट्रिकल में फैलते हैं ये सारी वेंट्रिकल वॉल्स तो हैं नीले की वॉल्स तो हैं ये देखिए एरो बना हुआ है अब वेंट्रिकल क्या करेंगे सिकुड़ेंगे फैलेंगे कम काम कर पाएंगे तो ये हार्ट की मसल्स ही होती हैं जो हार्ट को काम करवाती है हार्ट से हार्ट इन्हीं की वजह से काम करता है हार्ट से कोई भी मस्तिष्क से आने वाला न्यूरॉन हार्ट से काम नहीं करवाता है समझ में आ गया आपका हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है ऑटो एक्साइटेबल मतलब खुद ही काम करता है खुद ही ये जो है आपके वर्क कर पाता है इसकी मसल्स खुद ही काम कर पाती हैं तो ऐसे पुरकिंजे फाइबर्स पाए जाते हैं हार्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं मैंने आपको ऐसे नोट के बारे में बताया ऐसे नोट को पेस्टमेकर इसलिए बोला क्योंकि यही तो सत्तर से बहत्तर बार सोडियम को यूज कर पाता है एवी नोट चालीस से पैतालीस बार आपके जो है इसमें सर वो होती है कंपन होता है लेकिन ऐसे रोड में सत्तर से पिछहतर बार ये आप कहते हैं बहत्तर बार हमारा हृदय धड़कता है ऐसे नोट की वजह से ऐसे नोट से सिग्नल पास हुए किसके पास गए एवी नोट्स के पास ठीक है एवी नोट को आपके क्या बोलते हैं एवी नोट को आपके बोलते हैं एंट्रोवेंटिकल नोट बोलते हैं आई थिंक इसमें कहा लिखा हुआ है एवी नोट्स के बारे में एवी नोट एवी नोट एवी नोट एवी नोट एवी नोट एवी नोट ये है मैंने बोला ना एंट्रियोवेंटिकल नोट ये है एवी नोट द इम्पल्स पॉजिस और यहीं पर आपके कार्डियक साइकिल भी होती है मैं अब आपको अच्छे से हार्ट पढ़ाऊंगी इस टॉपिक के बाद हार्ट का एक अलग ही वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि शानदार वीडियो होगा तो एवी नोट्स होते हैं फिर यहां पर स्टूडेंट ये जो बीच वाला भाग है ना ये बंडल ऑफ हिस्स कहलाता है यहां पर बंडल ऑफ हिस्स होते हैं बंडल ऑफ हिस क्या है ये जो आपके फाइबर्स जैसे दिख रहे हैं ये जो आपको येलो येलो फाइबर्स जैसे दिख रहे हैं ये जो नसें जैसी दिख रही हैं इन्हीं को बोलते हैं बंडल ऑफ हिस्स बंडल ऑफ हिस्स पाया जाता है बीच में और फिर आपने देखा फिर ये फैलता हुआ चला गया इस तरीके से ये आपके जा रहे हैं सिग्नल्स और यहाँ पर आपके ऐसे ऐसे करके ये फाइबर्स निकले हुए हैं ये मसल्स ही हैं सारी ठीक है ऐसे मसल्स में फाइबर्स निकले हुए हैं इन्हीं का नाम है पुर फाइबर्स ये इस तरीके से निकले होते हैं ये देखिए ये लिखा है यहाँ पर ठीक है ठीक है दोनों वेंटिकल के बीच में ये जो दीवार है जो दोनों वेंटिकल को अलग कर रही है इसका नाम है इंटरवेंटिकल सेप्टम क्या बोलते हैं ऐसे इंटर वेंटिकुलर सेप्टम सेप्टम क्योंकि ये वेंटिकुलर जो है आपस में नीचे वाले निलय को दोनों को अलग करती है आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सेप्टम कहाँ प्रेजेंट होते हैं सेप्टम हार्ट में प्रेजेंट होते हैं इन बायोलॉजी सेप्टम उस चीज को बोलते हैं जो किसी चीज को अलग करती है सेपरेट करती है दो एक तरीके से एक दीवार है तो दोनों निलय के बीच में देखिए आप सेप्टम पाया जा रहा है इसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोला जाता है ये वाला पार्ट जो है इससे एक निलय अलग हो गया और दूसरा निलय अलग हो गया ठीक ऐसे नोट एवी नोड समझ में आ गया आपको बाकी अभी इतना समझ लीजिए आप क्योंकि क्वेश्चन आया था पुरकिंजे के तंतु कहाँ होते हैं तो पुर फाइबर आपके हार्ट में होते हैं तो इतना आपको पता तो होना चाहिए रट तो लिया ही होगा आपने हार्ट में होते हैं लेकिन आपको ना तो फंक्शन पता है हार्ट में उसका क्या होता है ना आपको ये पता है कि हार्ट में वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं तो क्या फायदा है है ना रटने से समझ में तो आनी चाहिए चीज इसलिए मैं आपको समझा रही हूं कि ये पुर फाइबर यहां होते हैं इस तरीके से सिग्नल जो है एक तरीके से इम्पल्सिस होते हैं जेनेट होते हैं हार्ट में हार्ट की खुद की मसल्स करती हैं सोडियम का यूज करके जिस वजह से ये जो एट्रियम है ये सिकुड़ पाते हैं फैल पाते हैं ये जो वेंटिकल है ये सिकुड़ पाते हैं फैल पाते हैं तो ऐसे नोट को आपके पेसमेकर बोलते हैं ऐसे नोट से फिर सिग्नल जब एट्रियम का काम हो जाता है तब ये सिग्नल आपके वेंटिकल के पास जाते हैं एवी वी नोट्स के पास फिर एवी वी नोट जो है वो वेंटिकल को काम करवाते हैं वेंटिकल काम कर पाते हैं एवी वी नोट्स की वजह से और एवी नोट्स आप देख रहे हैं नीचे कितने तक फैले हुए हैं यहां पर आपके मैंने बताया बंडल ऑफ हिस है फिर ये धीरे धीरे ये और पूरे में वेंटिकल से काम करा पाए ये होते हैं पुरकिंजिस फाइबर्स ठीक है चलिए देखिए लिखा हुआ द पुरकिंजिस फाइबर डी डीअबोलोजाइज द कॉन्टेक्टाइल सेल्स ऑफ वेंटिकल्स ये मैं समझाऊंगी पूरा क्योंकि मैंने देखा है हार्ट से क्वेश्चन बहुत खतरनाक पूछे जाते हैं मैंने तो इतना देखा नहीं था अभी मैं जब प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ ठीक है तो ये आपको समझ में आ गया होगा अब आप बता सकते हो कि भाई ये ऐसे नोड है ये पेसमेकर है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा सोडियम आइंस को रिसीव करता है ब्लड से फिर सिग्नल्स आपके नीचे जाते हैं एवी नोड्स के पास एवी नोड नोट कहाँ पर है क्योंकि ये वेंटिकल सेप्टम में पाया जाता है वेंटिकल एरिया में पाया जाता है इसलिए ये एंटो वेंटिकुलर है और ये आपके आर्टिकल नोड है ऐसे नोड क्योंकि ये ऊपर एट्रियम में पाया जाता है ये वेंट्रिकल में पाया जाता है और फिर ये क्या है आपके ये पुर फाइबर्स हैं चलिए करते हैं इस पर बात बहुत अच्छा वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा मैं पढ़ाऊंगी पूरा हार्ट अच्छे से तीव्रता दर्शाता है तीव्रता क्या दर्शाता है बताइए तो चमकीलापन और धुंदलापन दर्शाता है तीव्रता किसे बोलते हैं इंटेंसिटी को बोलते हैं क्रोमा को बोलते हैं इंग्लिश में है ना ये क्या है इंटेंसिटी एंड क्रोमा ये आपके डायमेंशन है कलर की कलर की डायमेंशन होती है कलर की तीन डायमेंशन होती है ह्यू वैल्यू एंड क्रोमा या इंटेंसिटी ह्यू कलर का रंग वैल्यू कलर की आपके हल्का पन और गहरापन बताता है तो जितना आप कलर में ब्लैक मिलाते जाएंगे कलर आपका गहरा होता चलाएगा जितना आप कलर में व्हाइट मिलाते जाएंगे आप उसका आपका कलर कैसा होता जाएगा लाइट होता चलाएगा वो क्या है वो कलर की वैल्यू है और चमकीलापन धुंधलापन कलर का क्या बताता है क्रोमा एंड इंटेंसिटी या उसको तीव्रता बोलते हैं नेक्स्ट देखिए एक नाटी महिला को निम्न प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए कैसे कपड़े पहनने चाहिए एक नाटी महिला को जो छोटी हैं हाइट में तो उन्हें हमेशा खड़ी रेखा वाले कपड़े पहनने चाहिए ताकि वो लंबी लगें निम्नलिखित में से कौन सी दोहरी नोक वाली डाट है दोहरी नोक वाली डाट है बताइए निम्नलिखित में से कौन सी इसमें आपके फ्लांश डाट जो है डाट को दोहरी नोक वाली डाट बोला जाता है नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए इनमें से कौन सा बणी याद का भाग नहीं है बताइए सीकम इलियम रेक्टम कोलम रेक्टम तो पूछा ही नहीं है सीकम है कोलन है इलियम है इनमें से कोई नहीं आंसर बताइए बड़ी आंत का अंग नहीं है क्वेश्चन पूछा है, नहीं है भैया इलियम नहीं है इलियम आपके छोटी याद का अंग है इलियम किसका अंग है आपके छोटी याद का जेजनम जे डिडनम जे जे जेजनम एलियम डी से मैंने आपको याद कराया है नेक्स्ट देखिए कौन से लक्ष्य का प्रकार नहीं है गोल्स का प्रकार नहीं है आंसर करिए कैसा ऑरेंज ऑरेंज कलर रेड हुआ दीर्घकालीन का लक्ष्य है, होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं मध्यवर्ती गोल्स होते हैं सार्वभौमिक गोल्स कौन से होते हैं सार्वभौमिक कोई गोल होते हैं यूनिवर्सल गोल होते हैं कोई हमारे नहीं हमारे भाई लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं मीडिएटर गोल्स होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स वो होते हैं जो कि थोड़े समय के लिए होते हैं मीडिएटर गोल्स कुछ समय के लिए होते हैं और लॉन्ग टर्म्स गोल्स बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए होते हैं जैसे शादी परिवार हायर एजुकेशन या घर बनाना है ना तो सार्वभौमिक लक्ष्य कुछ नहीं होता है चलिए आगे देखते हैं नियासिन की कमी से क्या होता है तो नियासिन विटामिन डिमेंशिया डायरिया डेथ और क्या होता है डिमेंशिया डायरिया डेथ एक डी में भूल रही हूँ कोई बात नहीं याद आ जाएगा सेंसरी मोटर स्टेज बताइए कौन सी होती है सेंसरी मोटर स्टेज अकॉर्डिंग टू जीन पी आ जाए जल्दी से बताएंगे सब जीरो टू टू ईयर सेंसरी मोटर स्टेज नेक्स्ट बताइए वर्णाध व्यक्ति जो वर्णाध है ये आपके एक जेनेटिक डिसऑर्डर है किन रंगों का भेद नहीं कर पाता है तो सबको पता है व्यक्ति जो वर्णाध है उसको लाल और हरे रंग का भेद नहीं हो पाता है ठीक है रेड एंड ग्रीन ग्रीन कलर को वो नहीं देख पाते हैं सही से समझ में आ गया उसका उन्हें बोध नहीं हो पाता है नेक्स्ट बताइए वंशानुक्रम के बाहक हैं कौन है जेनेट आपके जीन्स हैं केंद्रक हैं रजकण है क्रोमोजोम है, है जो कि आपके जेनेटिक को क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपके जीन्स ट्रांसफर होते हैं हस्तांतरित होते हैं तो कौन है मैं तो बराबर आंसर भी दे रही हूँ जीन्स हैं जीन्स क्रोमोजोम्स होते हैं क्रोमोजोम्स में आपके लगे होते हैं डी और डी में आपके लगे होते हैं जीन्स ये बात ध्यान रखिएगा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जीन्स नेक्स्ट देखिए निम्निखित में से शरीर का कौन सा भाग आपके जुकाम से संक्रमित नहीं होता भैया ये नोक क्या है मैं नोक से बहुत परेशान हो गई हूँ कल से नोक क्या होता है मैंने नाक सुना है नोक क्या होता है एक तो इंग्लिश में नहीं है मेरे पास क्वेश्चन लिखे हुए हिंदी में नोक लिखा हुआ है शरीर का कौन सा भाग जुकाम से संक्रमित नहीं होता आपका भाई जुकाम हो जाता है तो कहते हैं फेफड़े भाई आपके जुकाम से संक्रमित नहीं होते फेफड़े निमोनिया में संक्रमित हो जाते हैं ठीक है ठीके? नेक्स्ट देखिए फेफड़े आपके उसमें भी संक्रमित हो रहे थे किसमें आपके हो रहे थे कोरोना में हो रहे थे मध्यमान के लिए कौन सा सूत्र सही है बताइए आंसर करिए निकालना है आपको तो कौन सा सूत्र आपका सही है भाई यहाँ पर एग्जामिनर ने कोई भी आंसर नहीं सही दिया है सभी को गलत माना है सारे आंसर जो मेरे पास है डेटा उसके अकॉर्डिंग गलत है बाकी मैं भी देख के बताती हूँ मध्यमान का सूत्र क्या है ठीक है नेक्स्ट देखिए कौन सी कढ़ाई सुमेलित नहीं है आंसर करिए कसूती कच्छ मोती भारत मुरी कसूती कर्नाटक ठीक है कच्छ गुजरात ठीक है मुरी लखनऊ ठीक है मुरी टाका यूज किया जाता है लखनऊ की चिकनकारी में मोती भारत आपके दिल्ली नहीं है ठीक है मोती भारत आपके दिल्ली नहीं है आंसर सही हो जाता है यहाँ पर आपके मोती भारत आपके राजस्थान है नेक्स्ट आंसर करेंगे इड प्रतिनिधित्व करता है इड इड क्या बताता है आपके किसको दर्शाता है इड आपके अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड को दर्शाता है क्लियर चलिए नेक्स्ट देखिए जीवन रक्षा घोल ओ आर एस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट आप किस अवस्था में देते हैं तो आप डिहाइड्रेशन में देते हैं डायरिया में देते हैं डिहाइड्रेशन कब होता है जब बॉडी से पानी की कमी होने लगती है उसको हम डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण बोलते हैं तब हम ओ आर एस देते हैं नेक्स्ट देखिए एटी डोमेस्टिक सीवेज में अशुद्धता का प्रतिशत कितना होता है डोमेस्टिक सीवेज में आंसर करिए डोमेस्टिक सीवेज में भाई ये बात कर रहे हैं आपके जीरो पॉइंट वन परसेंट ठीक है जीरो पॉइंट वन परसेंट जो है अशुद्धता का प्रतिशत है देखिए भाई इस क्वेश्चन को मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा तब मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगी मैंने अभी ये डोमेस्टिक सीवेज वाली चीज पढ़ी नहीं है एक बार मुझे पढ़नी पड़ेगी तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी आंसर फिलहाल जीरो पॉइंट वन परसेंट दिया गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक कब लागू हुआ तो लागू कब हुआ यहाँ पर एट्टी दिख रहा है कहीं एट्टी नहीं है तो फिर आंसर एटी हो जाएगा ठीक है आंसर क्या हो जाएगा एटी सेवन वरना आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आप एटी सिक्स याद रखेंगे एटी सिक्स ही आंसर देते हैं हमेशा अब जब एटी सिक्स है ही नहीं तो फिर एट्टी सेवन में ही तो लागू हुआ है मैंने आपको बताया है नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आपके एडीज मच्छर द्वारा फैलती है बताइए एडीज मलेरिया तो मादा एनिफिलीज से फैलता है जल्दी बताइए एडीज मच्छर द्वारा कौन सी बीमारी फैलेगी इसमें से चिकनगुनिया ठीक है और एडीज इजिप्ट मच्छर से आपके फैलता है एडीज इजिप्ट मच्छर से डेंगू नेक्स्ट देखिए आंशिक रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है आंशिक रूप से पचा है भोजन आपके स्टमक में है क्या कहलाएगा कायम क्या कहलाएगा काइम भोजन का लेई रूप ले, ले लेना भोजन का लुगदी बन जाना एकदम फूड का गले में होगा फूड तो वो कहलाएगा आपके बोलस जब मिक्स हो जाता है सलाइवा के साथ ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा सलाइवा के साथ फूड आपका मिक्स क्या हो जाता है मुंह में आपने फूड को लिया उसमें सलाइवा मिक्स हो गया आपने फूड को चबाया वो फूड कहलाता है बोलस ठीक इसोफेगस से आपके स्टमक तक क्या जाता है बोलस पेट में आपके फूड में डाइजेशन हुआ वो क्या बन जाता है काइम और फिर आपके नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके बनता है काइल स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लेसेटल होता है जिसमें आपके फैट जब डिपॉजिट हो जाता है जब आपके फैट जो है काइलो माइक्रॉन एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और वो लेक्स जो लेसेटल है आपके लेक्टील है जब वो भर जाती है फैट से उसको काइल बोला जाता है स्पेशली लेकिन वो प्रोसेस होता तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही है ना तो आपसे पूछ सकते हैं काइल कहाँ बनता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है तो कोई बुराई नहीं है नेक्स्ट देखिए गृह प्रबंधन की प्रक्रिया में गतिविधियों का सही क्रम बताइए आप क्या है होम मैनेजमेंट की प्रोसेस में आपके चार स्टेप्स होते हैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोलिंग एंड इवेलुएशन सबसे पहले प्लानिंग फिर ऑर्गेनाइजेशन फिर कंट्रोलिंग फिर इवेल्युएशन तो योजना फिर नहीं नहीं, नहीं योजना क्रियान्वयन कैसे हो जाएगा संगठन क्रियान्वयन और मूल्यांकन हिंदी में थोड़ा सा वो रहता है कोई बात नहीं ऑप्शन नंबर बी जाएगा ना इसमें सभी लोग देखिए भाई आयोजन को प्लानिंग बोलते हैं संगठन को ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं कंट्रोलिंग को क्रियान्वयन बोलते हैं और मूल्यांकन को इवेल्युएशन बोलते हैं तो यहां पर कौन सा जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है क्या आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएशन यही आपके प्रोसेस है होम मैनेजमेंट की नेक्स्ट देखिए धमनिया रक्त ले जाती हैं भैया किधर ले जाती हैं बताइए धमनिया धमनिया कहाँ रक्त ले जाती हैं शिराओं से हृदय से पेट से मांसपेशियों से तो हार्ट से ले जाती हैं हमेशा याद रखेंगे ये हार्ट है ठीक है ये हार्ट है आपके हार्ट में आपके चार चैम्बर होते हैं स्टूडेंट हमेशा आप ध्यान रखेंगे ये चीज चार चैंबर होते हैं नीचे वाले पूरी बॉडी से लेकर के आती है इनफीरियर वेना कावा और ऊपर वाले सिर से दिमाग से सब लेकर आती है सुपीरियर वेनाकावा क्या लेकर आती है ब्लड लेकर आती है किस में डालती है इसमें इसमें ऊपर वाले आलिंद में डालती है ऊपर वाले आलिंद के और वेंटिकल के बीच में आपके वॉल्व होता है लाइक दिस ऐसा इसको बोलते हैं ट्राइकस्पेट बॉल्व क्यों बोलते हैं ट्राइक बॉल्व क्योंकि देखो इसमें तीन ऐसे ये बने हुए हैं दिख रहा है आपको ऐसा होता है वो इसलिए इसको बोलते हैं इस तरीके का बाल्व होता है ये खुलता है है और ब्लड आपके नीचे में आ जाता है। फिर वेंटिकल से ब्लड जो है आपके वो जाता है इधर से आया इसमें इधर से आया इसमें वेंटिकल से ब्लड आपके जाता है यहां आपके लंग्स में ठीक है किससे होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ पल्मोनरी धमनी से होता हुआ फिर लंग्स से आपके जो है ब्लड प्यूरिफाई होकर के आता है यहां राइट साइड से आपके ठीक है देन आपके आगे यहां पर इसमें आलिंद में आता है फिर आलिंद से आपके निलय में जाता है ठीक हाँ तो धमनी रक्त कहां से ले जाती हैं आपके हृदय से ले जाती हैं नेक्स्ट देखिए है. बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है आपका बताइए मलेरिया जुकाम न्यूमोनिया ओम्बियोसिस मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है जुकाम वायरस से फैलता है न्यूमोनिया बैक्टीरिया से फैलता है नेक्स्ट जब वजन सामान्य से तस्तीस प्रतिशत अधिक हो गया तो वो कौन सी ओबेसिटी होती है आपके ये होता है ओबेसिटी का परसेंटेज ये देखिए फैट परसेंटेज थर्टी परसेंट आपके मॉडरेट कहलाती है थर्टी परसेंट से ऊपर चलेगा तो फोर्टी परसेंट एंड फिफ्टी परसेंट आपके सीवियर होती है तो आपके क्या हो जाएगा मॉडरेट ओबैसिटी हो जाएगा ये कैसी ओबेसिटी है मॉडरेट ठीक है नेक्स्ट देखिए कौन सी अल्ट्रा किरणों को सोखती हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके आने वाली यू वी रेस को सोख लेती हैं सूर्य के प्रकाश से जो यू वी रेस पड़ती हैं इनमें से कौन है तो ओजोन लेयर है सभी को पता है भाई ओजोन लेयर हमारे इसमें है वायुमंडल में है है ना जो क्या करता है अल्ट्रावाट किरणों को सोख लेता है यूवी रेस को सोख लेता है वायु में नाइट्रोजन क्या करता है बताइए शरीर के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन को पतला कर देता है खून में ऑक्सीजन को घोलता है क्या करता है ऑक्सीजन को पतला कर देता है है ना ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम कर देता है ये भी बात ध्यान रखिएगा हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला कौन सा खनिज आवश्यक है यहाँ पर दोनों ही सही हैं लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोडियम होता है पर आपके एग्जामिनर ने पोटेशियम आंसर दिया है इसमें देखिए भाई ये दोनों ही ज़रूरी हैं दोनों ही हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं पर मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी सोडियम होना चाहिए लेकिन आंसर एग्जामिनर ने पोटेशियम दिया है कभी वो सोडियम देते हैं कभी वो पोटेशियम देते हैं तो इस आंसर में आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए ठीक है क्योंकि दोनों ही ज़रूरी हैं सोडियम भी आपके हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है पोटेशियम भी लेकिन मेरे अनुसार सबसे ज्यादा जरूरी है सोडियम क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ऐसे नोड आपके सोडियम को यूज करता है और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने में एक बार में हृदय बहत्तर बार धड़कता है है ना तो मेरे हिसाब से सोडियम जरूरी है बहुत ज्यादा जरूरी है लेकिन पोटेशियम भी होता है लेकिन सोडियम ज्यादा जरूरी है नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट आंसर क्वेश्चन हम इनमें से कौन सा तटस्थ रंग है तटस्थ रंग बताइए कौन से होते हैं तटस्थ रंग जल्दी आंसर करिए भाई काला है सफ़ेद है और आपके कौन सा होता है वो जो ग्रे कलर होता है ये तटस्थ रंग होते हैं ठीक है काला और सफ़ेद आपके तटस्थ रंग माने जाते हैं मैंने आपको शुरू से जब से होम मैनेजमेंट पढ़ाना स्टार्ट करा है हमेशा बताया है कि ब्लैक एंड वाइट आर नॉट अ कलर्स ब्लैक एंड वाइट कलर्स में नहीं आते हैं ब्लैक जितना आप किसी कलर में मिलाते हैं वो कलर उतना डार्क हो जाएगा व्हाइट आप जितना जिस कलर में मिलाते हैं वो कलर उतना उतना डल हो हो जाएगा मतलब, sorry, उतना हो जाएगा मतलब सॉरी ठीक है लाइट हो जाएगा ये कलर्स नहीं होते हैं तो इन्हें तटस्थ रंग बोला जाता है काला हो जाएगा सबसे ज्यादा आदरता किसमें होती है भैया हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं सबसे ज्यादा गर्मियों में ताकि हमारा पसीना सूख जाए तो किसी और तरफ मत चले जाना कि रेओन आंसर लगाया हो ठीक है सूती रेशों में होती है सबसे ज्यादा आदरता आप का गुण हम रेओन के कपड़े पहनते हैं जनरली हर आदमी रेन का कपड़ा पहनता है जनरली हर आदमी कॉटन का कपड़ा पहनता है तो आप अपना सेंस यूज करिएगा आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है अब बच्चे गए मैम लेकिन परसेंटेज तो रेउन की ज्यादा होती है सोखने की क्षमता तो लिनन में भी बहुत ज्यादा होती है तो आंसर क्या होना चाहिए तो लगाते रहिएगा जो आपका मनो आंसर लेकिन सबसे ज्यादा आद्रता अवशोषक आपके सूती रेशों में होती है इसीलिए हम गर्मी में सूती वस्त्र पहनते हैं और कॉटन वस्त्रों का राजा है क्यों इसीलिए उसको वस्त्रों का राजा कहते हैं वरना रेन को ना बोल दें वस्त्रों का राजा लिनन को ना बोल दें वस्त्रों का राजा आपके लिनन महंगा होता है कॉटन उतना महंगा नहीं होता है ठीक है आपको समझ में आ गई बात भले ही लिनन की आपके एब्जॉर्बेंसी ज्यादा है या वो जल्दी देता है जल्दी कर लेता है कुछ भी हो लेकिन वो महंगा है और हमें हर व्यक्ति को पहुंचाना है कपड़ा हर व्यक्ति कपड़ा पहन सके तो कॉटन सबके लिए, सब, सब के के लिए वस्त्रों का राजा है अवशोषक क्षमता उसकी ज्यादा होती है गर्मियों में इसलिए कॉटन पहना जाता है नेक्स्ट देखिए कौन सा आपके विटामिन नेक्स्ट देखिए ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं नेक्स्ट देखिए स्टेपल तंतु का उदाहरण है स्टेपल तंतु कौन से होते हैं तो छोटे छोटे फाइबर्स को हम स्टेपल फाइबर्स बोलते हैं लंबे लंबे फाइबर्स को हम फिलामेंट फाइबर्स बोलते हैं प्राकृतिक जगत में केवल एक ही रेशा है जो फिलामेंट है मतलब बहुत लंबा रेशा मिलता है उसका वो कौन सा है रेशम ठीक और बाकी प्राकृतिक जगत से जितने भी हमें रेशे प्राप्त होते हैं चाहे वो कॉटन हो चाहे वो लिनन हो चाहे वो जूट हो हेम्प हो सीसल हो अबाका हो कुछ भी हो पिना हो वो सब स्टेपल तंतु ही होते हैं ना बाकी जो मैनमेड फाइबर्स होते हैं आपके वो सब कैसे फाइबर्स होते हैं वो सब आपके फिलामेंट होते हैं लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं तो आपसे पूछा क्या स्टेपल तंतु आपको पता है रेशम तो भैया लंबा फाइबर है बहुत लंबा फाइबर है फिलामेंट है आपको पता है स्टेपल तंतु का उदाहरण क्या हो जाएगा यहाँ पे जूट हो जाएगा जूट एकदम सही आंसर हो जाएगा जबकि नायलॉन और डेकरन कैसे हैं मैनमेड फाइबर है और ये फिलामेंट फाइबर है आप अपनी मर्जी से कितना लंबा भी फाइवर इसका बना सकते हैं नेक्स्ट देखेंगे एक सौ दो की तरफ चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य सामग्री नहीं है बताइए अब यहाँ पर इन्होंने जो है इसको क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख के करेंगे ध्यान से यहाँ पर आंसर दिया है चलचित्र अब चलचित्र को देखिए एग्जैक्ट जो है माइक मोशन बोलते हैं वो मोशन पिक्चर्स बोलते हैं ठीक है पिक्चर्स तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो मोशन पिक्चर्स जो है वो आपके विजुअल एड के एग्जांपल्स हैं लेकिन हो सकता है इंग्लिश में यहाँ पर चलचित्र में सिनेमा लिखा हो तो सिनेमा आपके दृश्य सामग्री नहीं है सिनेमा आपके ऑडियो विजुअल एड है तो ऐसे क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख के करेगा स्टूडेंट आंसर ठीक है जबकि श्याम पट फ्लैश कार्ड पोस्टर चलचित्र अगर मोशन पिक्चर लिखा हो तो ये तो सब आपके विजुअल एड के एग्जांपल्स हैं चलचित्र मैंने आपको समझाया क्या होता है केवल पिक्चर चल रहे होते हैं है ना कुछ ऐसी जो होता है कि जिसमें केवल पिक्चर चल रहे हैं उसको भी चलचित्र बोल देते हैं कभी कभी आपके कहीं कहीं भी आपको सिनेमा जिसमें मूवी जिसको बोलते हैं उसे भी चलचित्र बोल देते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख के करेंगे सही से आंसर यहाँ पर मेरे पास इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं है हो सकता है इंग्लिश में वहां पर लिखा हो सिनेमा मूवी तो हमें पता है सिनेमा और मूवी तो ऑडियो विजुअल एड में आता है केवल विजुअल एड में नहीं आता ठीक? समझ में आ गया तो नेक्स्ट के अनुसार दिया हो ठीक है <laughs> केवल मोशन पिक्चर जो है वो आपके विजुअल एड में ही आती है अगर इन्होंने विजुअल एड में मोशन पिक्चर आंसर दिया है यहां पर तो गलत दिया है वैसे यहां पर मुझे लगता है हंड्रेड मूवी या सिनेमा कुछ लिखा होगा स्टूडेंट नवजात शिशु के लिए तो आपको सबको पता है जब हमारे घर में कभी छोटा बच्चा पैदा होता है तो कभी भी बच्चे को नया कपड़ा नहीं पहनाते एकदम से उसको पुराना कॉटन का कपड़ा पहनाया जाता है एकदम ताकि उसके वस्त्र पे उसके शरीर पे चिपके नहीं उसे किसी तरीके की एलर्जी खुजली बर्श परेशानी ना हो जाए उसके शरीर में इरिटेशन ना हो जाए इसलिए उसको पुराने सूती और कोमल वस्त्र पहनाए जाते हैं है, है ना एकदम से नया कपड़ा नहीं पहनाया जाता बच्चे को नेक्स्ट देखिए आहार चिकित्सा में किसकी भूमिका होती है तो आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं आपको डाइट प्लान बना के देता है अगर आपका कोई पेशेंट कभी एडमिट हुआ हो तो उसकी पेशेंट की डा उस बीमारी के अकॉर्डिंग उसका डाइट प्लान आता है है ना किसको यही खाना देना है ये कौन करता है ये डाइटिशियंस करती हैं कौन करती हैं डाइटिशियंस करती हैं आपकी घर की मम्मी नहीं करती डॉक्टर नर्सेज नहीं करते ये काम डाइटिशियंस का होता है और हर हॉस्पिटल में डाइटिशियन अवेलेबल होती है नेक्स्ट देखिए विकास का क्या क्रम है तो आपको पता है डेवलपमेंट की दो आपके वो होते हैं डायरेक्शन सिफेलो एंड प्रोक्सीमोडिस्टल है ना तो सिफेलो में आपके सबसे पहले बच्चे का सिर बनना स्टार्ट होता है सिर से स्टार्ट होता है तो सिर मुख गर्दन धड़ पैर ऐसे आपका विकास का क्रम होता है नेक्स्ट देखिए रग क्या है रग रक्स जानते हैं आप रक्स रक्स तो सबको पता होगा सबके घरों में होते हैं कारपेट होते हैं एक तो बड़े बड़े एक तो बहुत चौड़े चौड़े ऐसे कारपेट होते हैं लोग बिछाते हैं अपनी बैठक में ड्रॉइंग रूम में है ना और एक ऐसे लंबे लंबे रक्स होते हैं ऐसे लंबे लंबे रक्स जैसे होते हैं केवल इतने ही होते हैं इसमें से डिजाइन बना होता है खूब लोग आजकल किचन में भी डालते हैं अपने घर के बाहर भी डालते हैं तो रग क्या है आपके फर्श बिछावन है फर्श पे बिछाते हैं दीवार पे नहीं बिछाते दीवार पे तो कलर करते हैं वॉलपेपर वगैरह चढ़ाते हैं है ना फर्श बिछावन है आपके रग रग बोलिए या ऐसे इंग्लिश में लिखा होगा रक्स या रग तो क्या है फर्श पे बिछाने वाली चीजें हैं रग घर में गृह सज्जाओं में हम इसका यूज करते हैं होम मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन है ठीक है नेक्स्ट देखिए वसा अघुलनशील है तो सबको पता है कि फैट हमेशा आपके ईथर में घुलता है कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुल जाएगा क्लोराइड में घुल जाएगा लेकिन पानी में नहीं घुलता कभी भी आपकी वसा पानी में नहीं घुलेगी आप देसी घी घुल देख लीजिए आप सरसों का तेल घुल के देख लीजिए आप रिफाइंड घुल देख लीजिए पानी में वसा नहीं घुलती है ठीक है तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पानी में वसा नहीं घुलती बाकी सब में घुलती है अनौपचारिक शिक्षा क्या है तो इनफॉर्मल एजुकेशन आपसे पूछा है यहाँ पर ये सारे ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं इनफॉर्मल एजुकेशन ठीक है इनफॉर्मल एजुकेशन किसी भी तरीके की ऐसी एजुकेशन थोड़ी है जो आपके विद्यालय में बैठ के दी जाती है है ना तो यहाँ पर ये जो एग्जामिनर ने सारे ही ऑप्शन को गलत माना है आयोग ने और इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया है उन्होंने बोला है ये किसी भी तरीके से ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा व्यवस्थित है एकदम अरेंज हो चेयर टेबल भी पड़ा हो एक करिकुलम भी हो सब कुछ हो तो ये सब गलत माना गया है ठीक है नेक्स्ट देखिए गर्भवती माँ को कब्ज की शिकायत ना हो इसके लिए हमें उसको क्या देना चाहिए कॉन्स्टिपेशन ना होने पाए और जनरली आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो ना होने पाए तो हमें कैसा देना चाहिए उसको फूड छिलकेदार दाल हरी सब्जी खानी चाहिए उसको मूंग की दाल खूब अच्छे से खानी चाहिए मूँग की दाल बहुत रिच होती है प्रोटीन में भी फाइबर्स में भी है नेक्स्ट देखिए भारत के किस राज्य में वायु प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक है तो ये 2013 का क्वेश्चन है उस समय जो होगा उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है तब दिल्ली था ठीक है आंसर यहाँ पे दिल्ली किया गया है इस समय तो शायद आपके देखेगा पड़ेगा यूपी में कानपुर है या दिल्ली ही है इस टाइम भी करंट में भी आप लोग जरूर देख के जाएगा कि सबसे वायु प्रदूषित शहर कौन सा है ठीक है भारत का या विश्व का भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स घुलनशील है बताइए अरे बी कॉम्प्लेक्स तो बी और सी तो जल में घुलते हैं बी सी तो जल में घुलते हैं तो जल में घुलनशील है नेक्स्ट देखिए अब वही अगर आपसे मैं पूछ डी ई के किस में घुलनशील है अभी करा है ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन एक ही में पूछ लिए तो वसा में घुलनशील है ठीक है नेक्स्ट बताइए देखिए ये क्वेश्चन रह गया था 2021 वाले टीजीटी में पूछने को 125 क्वेश्चन थे ना 124 पूछे थे मैं भूल गई थी यही क्वेश्चन था सबको पता है एक ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है तो नौ किलो कैलोरी देता है यहीं अगर होता है एक ग्राम फैट वो कार्बोहाइड्रेट कितनी देता है तो आप बता देंगे चार किलो कैलोरी देता है यहीं होता है एक ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरीज देता है तो भी चार किलो कैलोरी देता है भले ही फैट आपके नौ किलो कैलोरी देता है लेकिन फैट से भी और प्रोटीन से ज़्यादा एनर्जी बॉडी को नहीं लेनी चाहिए प्रोटीन से तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए थोड़ी बहुत आप फैट से ले भी रहे तो भी नहीं लेनी चाहिए आपको हमेशा हमेशा हमारी बॉडी के लिए भगवान ने कार्बोहाइड्रेट बनाए हैं ग्लूकोज बनाया है तो हमें कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी लेनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन के अंगों में नहीं आता प्रजनन अंग पूछे हैं ऑर्गन्स पूछे हैं तो इंटरनल जेनेटिलिया एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया एक्सटर्नल जेनेटिलिया में आपके मॉन्स प्यूबिक आता है आपके बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं और इंटरनल जेनेटिलिया में आपके कौन कौन सी आ जाएगी फेलोपिन ट्यूब्स आ जाएंगी ओवरीज जा आ जाएंगी यूट्रियस आ जाएगा है ना बट प्रोजेस्ट्रॉन नहीं आता प्रोजेस्ट्रॉन तो हार्मोन है जो कि ओवरी रिलीज करती है क्या है हार्मोन है जो कि ओवरी रिलीज करती है बाकी सब आपके जो है प्रजनन अंग हैं नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है बताइए मैनेजमेंट का क्या काम नहीं है अधिक्रम प्रवर्तन पहल कार्य का विभाजन क्या काम नहीं है न, आपके मैनेजमेंट का भाई किसी भी तरीके से हम कार्य का विभाजन थोड़ी करते हैं ऐसा थोड़ी होता है कि ये काम तुम कर लो ये काम तुम कर लो ये काम तुम कर लो प्रबंधन में आपके ये सब होते हैं कार्य का विभाजन नहीं होता है मतलब मेरे हिसाब से तो का कार्य है कौन सा प्रवर्तन का कार्य है पूछा है अरे नहीं नहीं कार्य है पूछा है तो न प्रवर्तन अधिग्रम पहल कार्य का विभाजन कार्य का विभाजन तो है वही तो मैं कहूँ कार्य का विभाजन तो है प्रबंधन में ये मैनेज किया जाता है कि भाई किसी भी घर में मान लीजिए हम प्रबंधन कर रहे हैं तो हम मुख्य मुख्य कार्य के भाई जो ये चीज तुम देख लेना ये चीज तुम देख लेना तो ये तो कार्य है सही बात है हाँ भाई मैं सोच रही कैसे मैंने आंसर दे दिया कार्य का विभाजन तो कार्य करना न प्रवर्तन का वो गृह मैनेजमेंट का वर्क है आपके काम है हम कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हम चार लोग हैं तो हम कर लेंगे ना कि भाई खाने का मैं देख लूँगी वो क्या गैस को मैं देख लूंगा इस तरीके से हाँ तो भाई है बिल्कुल है कार्य का विभाजन करना काम है कौन सा प्रबंधन का काम है ठीक है नेक्स्ट पहला मानव निर्मित रेशा कौन सा है तो आप बता देंगे रेओन है नायलॉन नहीं है फर्स्ट मैनमेड फाइबर क्या है आपके रेयन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है नेक्स्ट छह रोग से ग्रसित छह रोग मतलब टी भी हो गई है टीबी हो गई ट्यूबोक्लॉसिस हो गया है माइको बैक्टीरियम ट्यूबोक्लॉसिस से कॉज होता है बैक्टीरियल बीमारी है टीबी वायु द्वारा संचारित रोग है ये तो आप क्या करेंगे अधिक प्रोटीन देंगे अधिक कैलोरी देंगे बिल्कुल क्योंकि उसको फीवर आ रहा है बहुत तेज टीबी में बराबर फीवर बना रहता है फीवर बना रहेगा तो उसकी प्रोटीन्स भी टूटेंगे उसके टिश्यूज भी टूटेंगे सेल भी टूटेंगे और उसको कैलोरीज की भी जरूरत होगी तो हम उसे अधिक कैलोरी और अधिक प्रोटीन युक्त खाना देंगे नेक्स्ट देखिए छह रोग से बचाव के लिए टीवी से बचाव के लिए क्या लगाते हैं आप तो बीसीजी लगाते हैं बच्चे में बेसिलस कार्लमेट ग्यूरिन होता है मैंने बताया आपको इसमें लाइव वैक्सीन बच्चे के अंदर इंजेक्ट की जाती है है ना नेक्स्ट बताइए लेटी के अंतर्गत आते हैं लेटी के अंतर्गत क्या आता है तो ये भी आपके टेक्सटाइल से रिलेटेड है लेटी एक टर्म है जिसमें आपके बिब नाइट गाउन और आपके नाइट गाउन और डाइपर्स आते हैं लेटी ठीक है नेक्स्ट किस वनस्पति के स्रोत से आपको ग्लूटन प्राप्त होता है तो ग्लूटन प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होता है आपके ग्लूटन आपके गेहूं की प्रोटीन है किसकी प्रोटीन है गेहूं की प्रोटीन है नेक्स्ट बताइए आईसीडीएस कब शुरू हुआ आईसीडीएस से दो क्वेश्चन पूछे हैं इसमें आईसीडीएस के फंक्शन भी पूछे हैं और आईसीडीएस भी पूछा है नाइनटीन में ठीक है नेक्स्ट बताइए कोर्जिन के अनुसार गृह प्रबंध क्या है कोट जिन के अनुसार भी पूछा है राजमल पी देवदास के अनुसार भी पूछा है तो कोर्ट जिन के अनुसार है, क्या है व्यावहारिक विज्ञान है क्या है व्यावहारिक विज्ञान है ठीक है नेक्स्ट का आंसर कीजिए दो तीन क्वेश्चन और बचते हैं हमारे परिवार कल्याण कार्यक्रम कब का प्रारंभ हुआ इसका आंसर इन्होंने नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पे आरंभ हुआ पूछा है ठीक है परिवार कल्याण कार्यक्रम आपके 1952 में आया था उसके बाद उसको रीडिजाइन किया गया था 1977 में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे 1977 आंसर दे सकते थे जब ये डब्ल्यू एच ओ का नाइनटीन फोर्टी फोर्टी फाइव आंसर दे देते हैं तो हालांकि इन्होंने दिया नहीं है इसको यहाँ पर इन्होंने स्टार मार्क कर दिया है क्योंकि परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुआ था नाइनटीन फिफ्टी टू टू फिफ्टी थ्री में ठीक है ऐसे करके होता है फिफ्टी टू फिफ्टी टू टू फिफ्टी थ्री तो इन्होंने आंसर नहीं दिया है यहाँ पर सेवनटी सेवन में इसको रीडिजाइन किया गया था परिवार कल्याण कार्यक्रम को पहले यह परिवार नियोजन कार्यक्रम था सेवनटी सेवन में इसका नाम बदल के परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया था स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में क्लोरीन के किस रूप को आप सबसे अच्छा मानते हैं क्लोरोमाइन क्लोरीन गैस किसको मानते हैं ब्लीचिंग पाउडर को किसको मानते हैं भाई पानी को शुद्ध करना है कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए हम क्लोरीन गैस का यूज करते हैं लेकिन ये क्लोरोमाइन को माना है इन्होंने किसको माना है क्लोरोमाइन क्लोरोमाइन रूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्लोरीन के क्लोरोमाइन रूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है ठीक नेक्स्ट देखिए पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था कौन सी है तो परिवार के जीवन चक्र की तीन अवस्थाएं होती हैं इंट्रोड्यूसिंग स्टेज एक्सपेंडिंग स्टेज और आपके संकुचित कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज सबसे पहले आती है आपकी प्रारंभिक अवस्था प्रारंभिक परिवार जिसे आप समायोजन की अवस्था कहते हैं जिसको आप बोलते हैं परिवार को शुरू करने की अवस्था है ना ये पहली होती है दूसरी होती है आपके विस्तृत परिवार एक्सपेंडिंग स्टेज यहाँ पर बच्चे होते हैं बच्चों के काम बढ़ जाते हैं फीमेल्स के मेल्स के सबके बच्चों के काम बढ़ जाते हैं उनका स्कूल है दुनिया भर की चीजें हो जाती हैं समय धन शक्ति तीनों जरूरत पड़ते हैं और तीसरी होती है संकुचित यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं हैं अपने-अपने जगह पे सेटल हो जाते हैं। उनकी पढ़ाई हो जाती है वो भी शादी कर लेते हैं तो, है। तो अंतिम अवस्था कौन सी है इसकी? संकुचित परिवार थर्ड स्टेज यही तो होगा आपके है ना तो परिवार जीवन चक्र की अंतिम अवस्था कौन सी है आपके संकुचित परिवार यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन का सुई का चयन आप कैसे तय करेंगे धागे की किस्म कपड़े की किस्म बखिए की लंबाई धागे का खिंचाव आप किसके अनुसार सुई चुनते हैं तो सूती सोलह ऊनी नौ रेशमी बाईस सूती सोलह ऊनी नौ रेशमी बाईस मोटा अठारह मैंने तो ऐसे याद कर रखा है <laughs> सूती सोलह ऊनी नौ तो बताइए कपड़े की किस्म देख के ना ऑब्वियसली कपड़े की किस्म देख के आप सूती का चयन करते हैं कपड़े की सुई का चयन करते हैं तभी तो बोलते हैं भाई सूती में कैसा सोलह ऊनी में कैसा नौ नंबर की सुई यूज़ करो मोटे में कैसा अठारह और रेशमी में बाईस नंबर की सुई यूज़ करो है ना चलिए मिलते हैं फिर स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आज आपको मज़ा आया होगा इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हुए इतना हार्ड नहीं था बहुत आसान सा पेपर था लेकिन हाँ एग्ज़ाम टाइम पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन गलत हो जाते हैं बच्चों के मैं मानती हूँ थोड़े बच्चे दुखी भी थे मैम अभी देखने में आसान लगता है एग्जाम में गलत हो जाता है वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाते हैं है ना यहाँ पर तो क्या है अभी सॉल्व कर लिया गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लेकिन ध्यान रखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए इसीलिए पीवा क्यू सोल्व करवाए जा रहे हैं ताकि आप कन्फ्यूज ना हो और सब हो जाएगा चिंता मत करिएगा अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बच्चे ठीक है चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ सभी बच्चों को थैंक यू सो मच लाइक सब्सक्राइब शेयर ना किया हो तो कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वहाँ पर कुछ नया भी सीखेंगे जैसे मैं आपको अब लीवर पढ़ाने वाली हूँ लीवर पढ़ाऊंगी मैं आपको बिल्कुल सेपरेट एक लीवर पढ़ाऊंगी एक आपको मैं स्टमक पढ़ाऊंगी एक मैं आपको हार्ट पढ़ाऊंगी सेपरेट फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी पढ़ानी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसे बहुत से छोटे छोटे टॉपिक्स आपको मैं डेली देती रहूँगी जिससे आपको आपकी पढ़ाई में और आपके कॉन्सेप्ट में अच्छे से हेल्प मिल सके ठीक है चलिए और बजट पढ़ाना एक बच्चे ने बजट पढ़ाने के लिए बोला है सब कुछ मिलेगा चलिए फिर मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग सब लोग अपना ध्यान रखिएगा इसके साथ साथ कोई इश्यू हो कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा मैं आपका सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी थैंक यू सो मच बाय स्टूडेंट